हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित दीदी। फ्रेंड्स, और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में, और जिसने इसको शुरू किया था यंग बंगाल मूवमेंट को, जिनका नाम था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के बारे में, और उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट को हम लोग देखेंगे। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18th of April 1809 को, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को। ये एक पोएट थे और असिस्टेंट हेडमास्टर थे हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में, ठीक है ना। अब देखिए, खास बात यह है कि 17 इयर्स की एज में ही इनको एक बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना कि ग्रेट स्कॉलर और थिंकर माना जाने लगा। 18 साल की एज पे ही इनको इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ाने को मिल गया हिंदू कॉलेज में, ठीक है ना। और जो इनके स्टूडेंट्स थे ना, इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर हो गए। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया कि आप फ्रीली थिंक करिए और किसी भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करिए। देखिए, उस समय की जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस थी, उनकी अपनी मान्यताएं थी हजारों सालों की जो वो मानते चले आ रहे थे। तो विवियन डेरोजियो ने लोगों को सिखाया कि ऐसे आंख बंद करके आप किसी भी मान्यता को मत मानो, पहले आप उसको क्वेश्चन करो कि क्या वो सही है, क्या वो रैशनल है, क्या वो ठीक है। और उनके आइडियाज से ना, जो उस समय के यंगस्टर थे ना, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे और इनके बहुत ज्यादा फैंस बन गए, ठीक है ना। यंग लोगों के बीच में ना इनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज्यादा थी। इन्होंने स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम को प्रमोट किया, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, वुमेन की कंडीशंस की तरफ ध्यान देने की कोशिश किया, पीजेंट्स की कंडीशंस की तरफ ध्यान देने की कोशिश किया, सोशल इविल्स को हटाने की कोशिश की, ठीक है। और कहा कि भाई, अब फ्रीडम के पास प्रेस होनी चाहिए, ज्यूरी के थ्रू ट्रायल होना चाहिए, इस तरीके की चीजों को लेके आए। इंटेलेक्चुअल जो लेवल था ना लोगों का, वो बढ़ाया, और इसी जो प्रैक्टिस को यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि उस समय पे 1809 से लेकर 1831 के टाइम में अगर कोई ये काम कर रहा है, उस समय की इंडियन सोसाइटी कितनी ज्यादा, कह सकते हो ना कि आप रैशनल नहीं रही होगी, कितनी ज्यादा सुपरस्टिशियस रही होगी। और उस टाइम पे अगर कोई ऐसा इंसान ऐसा बोल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके खिलाफ कितना बड़ा सोशल बैकलेश होगा, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा सोशल बैकलेश हुआ इनके खिलाफ, ठीक है। और बहुत सारे जो प्यूपल्स थे ना, उनकी रिस्पेक्टेबल फैमिलीज ने, प्यूपल्स मतलब जो लोग पढ़ने आते थे कॉलेजेस में, जो कि इनके ख्यालों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे, उनकी फैमिलीज ने खुद ही उनको बाहर निकाल दिया। और क्या हुआ कि राधा कांता जेब के चेयरमैनशिप के अंदर में एक हिंदू डोमिनेटेड मैनेजमेंट कमिटी थी हिंदू कॉलेज की, जिन्होंने इनको एज अ टीचर उस कॉलेज से ही निकाल दिया, मतलब इनको एक्सपेल कर दिया उस कॉलेज से, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो को उनके ख्यालों की वजह से, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने पोएम्स लिखी है। ये पुर्तुगीज डिसेंट के थे, इनके फादर का नाम था फ्रांसिस डेरोजियो, बट फिर भी ये बंगाल को अपना लैंड मानते थे और बंगाली पेट्रोटिज्म इनके अंदर बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो, और खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि विवियन डेरोजियो कुछ इस तरीके की चीजें बता रहे हो जिससे लोग हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही रैशनल थिंक करता, जितने अगेंस्ट उसके हिंदूज थे ना, उतने ही क्रिश्चियंस भी उसके अगेंस्ट थे, ठीक है, क्योंकि उसकी कई सारी बताई हुई मान्यताएं क्रिश्चियनिटी के भी अगेंस्ट जा रही थी उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं था कि वो लोगों को कोशिश कर रहा था कि वो हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट करे, वो उनको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप रैशनली सोचे, ठीक है ना। और वो चीज बहुत हद तक हिंदुइज्म के अगेंस्ट में थी और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में भी जा रही थी, ठीक है। खास बात यह है फ्रेंड्स कि इन्होंने कुछ और मतलब पब्लिकेशंस को भी एडिट किया, जिसका नाम था, एक का नाम था हेस्पेरस, दूसरे का नाम था कलकत्ता लिटरेरी गेजेट, और एक और के थ्रू ये कनेक्टेड थे, जिसका नाम था इंडियन गेजेट, ठीक है। कह सकते हो ना कि सोक्रेट्स की जो थिंकिंग थी ना, कुछ हद तक इनकी थिंकिंग भी कुछ वैसी ही थी, ठीक है। और यंग बंगाल मूवमेंट को उन्होंने बहुत तेजी से बढ़ाया, हालांकि 1831 में इनकी अनफॉर्चुनेटली कॉलेरा से डेथ हो गई। तो कॉलरा की वजह से बहुत जल्दी खत्म हो गए, 22 साल तो क्या उम्र होती है, लेकिन फ्रेंड्स आप सोचिए कि 22 साल की उम्र पे ये बंदा यंग बंगाल मूवमेंट को चला के गया, जो कि मूवमेंट आगे जाने वाले टाइम में बहुत सारे मूवमेंट को इंस्पायर करेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने इनके मूवमेंट पे इनके ख्यालों की तारीफें की हैं, इवन महात्मा गांधी को इंक्लूड किया जाएगा। उन्होंने बोला है कि ये जो काम ये करके गए हैं ना ऐसे टाइम पे, जिसको आने वाली पुश्तें इन्हें याद करेंगी। और खास बात यह कि उस समय पे इतनी एडवांस सोच होना, इतनी प्रोग्रेसिव सोच होना, और उस तरीके की सोच जरूरी थी हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए,
तो हेनरी विवियन डेरोजियो का इंडियन रिनेसा में बहुत बड़ा हाथ है, इंडियन अवेकनिंग में बहुत बड़ा हाथ है, इंडिया की सोसाइटी को रिफॉर्म करने के इनिशिएशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो और इनका यंग बंगाल मूवमेंट। फ्रेंड्स आई होप ये आपको हेल्पफुल हो, इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, इसलिए मैंने आपको बहुत जल्दी इसमें खत्म कर दिया है कौन थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल मूवमेंट क्या था, ये मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।